हमारे बप्पा के साथ जो लोग मरे थे उस दिन, उन मरने वालों को सजा दिलाने के लिए हम देंगे गवाही। कल सुबह सबसे पहला काम यही करना है, गवाह के तौर पर गंगा का नाम लिखवा दीजिएगा। गंगा, आश्रम में तुम यहां से सेफ रहोगी, सुरक्षित रहोगी, वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। आओ सागर। बाप रे, गंगा पर हमला किया उन लोगों ने। कितना कठोर हो गया आज इंसान, अपने स्वार्थ के लिए इतनी छोटी सी बच्ची से दुश्मनी निकालने चला है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसीलिए गंगा को यहां लेकर आया हूं मैं, ताकि इसकी जान को कोई खतरा ना हो। जानता हूं बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं आप सब पर, लेकिन इस वक्त मुझे और कुछ सूझ भी नहीं रहा है। गंगा को अकेले कहीं भी मत जाने दीजिएगा प्लीज। स्कूल भी नहीं। पर बाबू हमारी पढ़ाई। पढ़ाई तो घर में भी हो सकती है ना गंगा, बस कुछ ही दिनों की बात है। अपने बाबू का कहा नहीं मानोगी तुम? मखीर बाबू, मैं मानती हूँ कि उस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन गंगा का जीवन दांव पर लगाकर ये उचित होगा क्या? गंगा को अंदर ले जाइए प्लीज। चलो गंगा, यही बात मुझे भी परेशान कर रही है, लेकिन जब तक गंगा की सेफ्टी को लेकर मैं निश्चिंत नहीं हो जाता तब तक उसे कोर्ट नहीं ले जाऊंगा मैं। डरता हूं कि कहीं रास्ते में ही कुछ, एक पिता होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे अपने बच्चों पर जरा सी भी मुसीबत आ जाए। फिर गंगा की जिंदगी के साथ इतना बड़ा रिस्क लेने का अधिकार क्या है मुझे? नहीं, अगर गंगा को कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन वकील बाबू, आप जो कह रहे थे कि आपके हर कदम पर उनकी नजर है, तो फिर आपको नहीं लगता कि उनको पता लग गया होगा कि आप उसे यहां लेकर आए हैं? मैंने भी सोचा इस बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि गंगा यहां ज्यादा सुरक्षित है। हो सकता है कि वो लोग सोच रहे हों कि मैं गंगा को और कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे नाजुक वक्त में। चांस लेने की बात है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि सावधान रहिएगा, गंगा को अकेले कहीं भी मत जाने दीजिएगा प्लीज। आप निश्चिंत रहें, हम सब गंगा का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ बाबू, तुम हमारी चिंता मत करो, हमारे कारण तुम हार मान लोगे तो बहुत बुरा लगेगा हमें। कुछ भी हो जाए गवाही तो हम जरूर देंगे। तुम्हारा काम बिगड़ गया ना, उसे सुधार के ही रहेंगे हम। पर आप भी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, परसों की डेट मिली है सुनवाई के लिए। जी जी, ओके सर। क्या क्या हुआ नीरू?
कमिश्नर से कह रहा था गंगा की सिक्योरिटी के लिए हेल्प कर दे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफर हो गया है। उस एमएलए ने कमिश्नर का ट्रांसफर किसी और शहर में करवा दिया, और जो नया कमिश्नर आया उनकी जगह पे, वो एमएलए का खास है, उनका चेला है। ड्यूटी ज्वाइन करते ही यहां से सिक्योरिटी निकाल दी, गंगा को सिक्योरिटी के खाक देगा वो। तो अब क्या होगा? आई डोंट नो माधवी क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि एमएलए श्रीवास्तव से उलझना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये नया कमिश्नर हर हाल में साथ देगा उसका। हाँ, बात इतनी बढ़ गई है कि पुलिस कमिश्नर तक का ट्रांसफर हो गया, ऐसे में गंगा से गवाही दिलवाना ठीक होगा क्या? गंगा की लाइफ डेंजर में है पापा, वो लोग उसे मार डालेंगे। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा गंगा को, चिंता मत कर। लड़की ना एक राहु केतु बन के आई है मेरे परिवार में, लेकिन मेरे बेटे को तो दिखता ही नहीं। उसी के कारण उसने ये केस लिया, और जब से हर रोज एक नई मुसीबत। कितना कह रही हूँ छोड़ दे केस नीरू, छोड़ दे, लेकिन उसके जिद के सामने कौन क्या बोल सकता है। गंगा भी तो जिद्दी है दादी, वो सीढ़ी उसने गलती से गुंडों को दे दी, और बस तब से बोलिए कि उसने पापा का काम खराब कर दिया, और वही ठीक करेगी। और पता है दादी गंगा ने क्या बोला है, कि जब पापा केस जीतेंगे तभी वो घर पे आएगी, वरना नहीं आएगी वो। अच्छा, ऐसा बोली वो? हाँ दादी। अच्छा जा, तू अपना अपना काम कर जा। देख, अच्छा तो जब तक वो अपने बाबू को चिता ना दे, वो इस घर में वापस नहीं आएगी। बढ़िया, लड़की ने तो मेरा काम आसान कर दिया। जब तक गंगा की सेफ्टी को लेकर मैं निश्चिंत नहीं हो जाता, तब तक उसे कोर्ट नहीं ले जाऊंगा मैं। अब ओम जी इतनी चिंता काहे कर रहे हैं? अगर उन्होंने हमसे गवाही नहीं दिलाई तो वो केस हार जाएंगे, हमारे पापा और दूर से बहुत सारे लोगों को मारने वाले बच जाएंगे, और अगर उन लोगों को सजा नहीं मिली तो बाबू को कितना दुख होगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी उनकी। नहीं, हमेशा नहीं होने देंगे, वो सीधी घुमा के बहुत बड़ी गलती की है हमने। कुछ भी हो जाए बाबू को एक जिताना ही होगा हमें, चाहे कुछ भी करना पड़े। कोई है अंदर? बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ आप सब पर, गंगा को अकेले कहीं भी मत जाने दीजिएगा। कहीं उस एमएलए का आदमी तो नहीं, उन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि गंगा यहाँ है हमारे पास? क्या कर रही हो तुम? चुपचाप यहीं बैठी रहना, यहाँ से हिलना नहीं, कुछ बोलना नहीं। दरवाजे पर कोई है, मैं देख कर आती हूँ कौन है, ठीक है? जी बोलिए भाई साहब। जो पांडे जी की कोठी जो गली नंबर 4 में है, वो यहाँ से कितनी दूर है? मैं इस शहर में नया आया हूँ, बहुत देर से इधर उधर भटक रहा हूँ, माफ कीजिएगा मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। जी यहाँ से दाईं तरफ जाइए, फिर बाएं मुड़ेंगे तो गली के कोने में ही है उनकी कोठी। धन्यवाद।
कोई नहीं, ऐसे ही कोई पता पूछ रहा था। मुझे लगा कहीं वो एमएलए के गुंडे ना हो, अगर तुझे पहचान जाते तो। जाते समय भी हमें किसी ने नहीं पहचाना तब तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। हाँ, ऐसे ही कुछ करना होगा हमें। अब तो हम कोरट भी जाएंगे और गवाही भी देंगे, कोई नहीं रोक सकता है हमें। कुछ ऐसा करना होगा कि गंगा कोरट ना पहुंच सके। तू समझ रहा है ना लल्ला? हर हाल में उस लड़की को कोरट जाने से रोकना पड़ेगा। ये देख, ला दादी सब तेरे लिए लाई। गंगा अगर गवाही देगी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। वो तो बेचारी नीरू को खुश करने में लगी हुई है, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो जिंदा रहे तभी तो वो इंसाफ दिला सकती है, और उसकी जान को खतरे में डालकर नीरू कभी खुश हो सकता है भला? सोच। अब सही है रिताजी, कंगा को रोकना पड़ेगा। मैं नहीं जाने दूंगा उसे कोर्ट। लेकिन दादी, अब प्लीज पापा को मत बताना। अरे लल्ला, कैसी बातें कर रहा है बेटा? मैं क्यों बताऊं पापा को? आखिर हम सब गंगा की भलाई चाह रहे हैं ना। ये ले, प्रसाद ले। पहले से ही नहीं चाहती थी कि नीरू ये केस लड़े। वो एमएलए इतना रुतबा वाला है, इतना ताकतवर है, हैं? उसके खिलाफ लड़ने में क्या कलमंदी? पर नहीं, नीरू को गंगा के पप्पा को इंसाफ दिलाना है, पर ये पूरा घर डूब जाए इसमें। पहले तुम्हें शालिग्राम जी से नीरू के हर केस के लिए प्रार्थना करती थी कि हे शालिग्राम जी, नीरू को जिता दे, पर इस केस में मैं कहूंगी शालिग्राम जी वो हार जाए, ताकि इतनी बड़ी जो संकट हमारे सर पे मंडरा रही है वो संकट हट जाए। सही समझा है मैंने लल्ला को? अब उसे लल्ला ही रोक सकता है कोरट जाने में, ना वो गंगा नीरू को केस में मदद करेगी, और ना ही वो केस जीतेगा, और ना ही वो घर आएगी। अपने आप को बहुत स्वाभिमानी मानती है, अपनी बात से नहीं पलटती। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमेशा हमेशा वो गंगा नाम की वो आफत की पुड़िया से छुटकारा मिल जाएगा। हे प्रभु, धन्य है तेरा। आपको लगता है सही होगा? गवाह के तौर पर सिर्फ गंगा है हमारे पास, अगर वो भी नहीं तो केस हार जाएंगे हम। आई नो राघव जी, अगर हमने गंगा को गवाह नहीं बनाया तो ये केस। हमारे घर पर इस वक्त भी नजर रखी जा रही है राघव जी, वो देखिए, उस आदमी को जरूर एमएलए ने भेजा होगा इस घर पर नजर रखने के लिए और खबर देने के लिए। गंगा को विटनेस बनाकर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं,
उसका नाम हटाकर फाइल सबमिट कर दीजिए। जी। हेलो गंगा, तुम हमारे लिए परेशान हो ना बाबू, हमें पता है अब तुम हमसे गवाही नहीं दिलवाओगे, है ना? ऐसा मत करना बाबू। और चिंता भी मत करना, हमने कुछ सोचा है, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या सोचा तुमने? ठीक है ना बाबू, अब तो कोई डरने वाली बात नहीं है ना? ठीक है गंगा, तुम्हारा आइडिया तो वाकई में बहुत अच्छा है। थैंक यू गंगा। राघव जी। जी। गंगा का नाम मत हटाइए, वो हमारे साथ कोर्ट जाएगी। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि भूल गया था ना राघव जी कि गंगा ने अगर एक बार किसी भी चीज का इरादा कर लिया तो पीछे नहीं हटेगी वो, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बहुत ही अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला है कोर्ट पहुंचने का, पर डेंजरस है, रिस्की भी है, लेकिन चांस ले सकते हैं। हमें गंगा की उम्र और उसी की कद और काठी वाली किसी और लड़की को तैयार करना होगा अपने साथ कोर्ट ले जाने के लिए। उस एमएलए के जासूसों को चकमा देने के लिए। तू पागल हो गई है? तुझे क्या लगता है तुम बदमाश को बुद्धू बना देगी? नहीं, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, एक सेकंड में समझ जाएंगे। तेरा प्लान ना फेल हो जाएगा। नहीं होगा फेल, हम कह रहे हैं ना। तू समझती क्यों नहीं है? तू झांसी की रानी है, तू सुपरमैन है। मैं तेरी फिक्र कर रहा हूँ और तुम ये बात ही नहीं सुन रही। हमने कहा तुमसे कि हमारी फिक्र करो, मत करो ना। तुम हमारी बात का नहीं समझते हो सागर। बाबू को मनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपनी गलती सुधार लेंगे तो बाबू फिर से खुश हो जाएंगे हमसे। तू पापा को खुश करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगी? हाँ, बाबू के हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें डराने की कोशिश मत करो। तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं है हम। मैं डरपोक नहीं हूँ, समझी? जा, जो करना है तुझे कर, मैं तुझे रोकूंगा भी नहीं। वकील साहब, इससे हमारी बेटी को किस तरह कोई खतरा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपसे बात कहता ही नहीं। देखिए, आपकी बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसकी पूरी पूरी हिफाजत करूंगा मैं, आप बेफिक्र रहिए। फिर भी अगर इसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आप लोगों पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, बस यही कहना चाहूंगा कि उस हादसे में बहुत से मासूम बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया उठ गया। अगर उन परिवारों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में आपकी थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो वो भी बहुत है। अगर मेरी अपनी बेटी होती तो मैं आपसे कहता भी नहीं। देखिए, मैं अपनी जान दे दूंगा पर इस बच्ची पर आंच भी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप पर है। ठीक है वकील साहब, अगर हमारी मदद से किसी को न्याय मिल सकता है, किसी का भला हो सकता है तो हमें मंजूर है। थैंक यू। तो आप कल सुबह यहीं आ जाइए, बच्चे को गंगा की तरह तैयार भी तो करना होगा। जी ठीक है, कल हम आ जाएंगे। राघव जी, ये क्या हो गया? जैसा नीरू सोच रहा है अगर वैसे हो गया तो गंगा गवाही देने चली जाएगी और फिर अपने बाबू को केस जितवा कर शान से सर उठाए वापस आ जाएगी मेरे घर में। क्या करूं?
तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं है हम। डरपोक नहीं हूँ मैं गंगा, तेरी फिक्र है मुझे, इसलिए कह रहा था कि मत कर ऐसा। तू पागल हो गई है, तुझे क्या लगता है तुम बदमाश को बुद्धू बना देगी? वो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, एक सेकंड में समझ जाएंगे। तू झांसी की रानी है, तू सुपरमैन है। मैं तेरी फिक्र कर रहा हूँ और तुम ये बात ही नहीं सुन रही। मुझे पता है तुम हमें कितनी चिंता करते हो, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सागर, बाबू का भरोसा जीतना है, पापा और ढेर सारे लोगों को मारने वालों को सजा भी तो दिलवानी है, और ये सब तो करना ही पड़ेगा ना हमें। तुम कब समझोगे हमारी बात सागर? आज मेरी बात समझ भी नहीं आ रही ना तुझे। जिस दिन तू अपनी अकड़ छोड़ देगी ना, उस दिन तू मुझे समझने लगेगी।